हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका लॉ एक्स बाय स्मार्ट किडो यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेसन नंबर 8। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। कंक्लूजन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमने बेसिक लेसन स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग को याद हो तो लेसन नंबर 1 से जब हमने स्टार्ट किया था तो वी वर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। और जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं वहां पर कुछ क्लेम्स होते हैं जिसमें से कुछ प्रिमाइसेस होते हैं और एक सिंगल कंक्लूजन होता है, यानी सारे प्रिमाइसेस मिलके उसे इन्फरेंशियली क्लेम करते हैं। ये हमने पढ़ा है अभी तक। जनरली एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है और वो भी कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन जब वो सेट करता है तो आपको मिसिंग कंक्लूजन ढूंढने होते हैं, यानी कि प्रिमाइसेस तो दिए होंगे बट देयर वोंट बी एनी कंक्लूजन, और वहां ऑप्शंस ए बी या सी एंड डी में आपको कंक्लूजन कहीं दिख रहा होगा। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या चीट कोड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले आप पैसेज देखेंगे, ऑफकोर्स मैं रीड करूंगा पैसेज आपके साथ और सॉल्व भी करूंगा उसको, यानी बहुत सारे क्लेम्स यहाँ इस पैसेज के दौरान दिए होंगे और हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा क्लेम है जो फाइनल, कौन से सारे क्लेम्स मिलकर के जो फाइनल हमारे कंक्लूजन को इन्फरेंशियली क्लेम कर रहे होंगे वो हम देखेंगे ऑप्शंस में। फॉर नाउ वील हैव सम रियल लाइफ डिस्कशन, चलिए देखते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप डायरेक्शंस देखें, यहाँ पर आपको फाइंड द मिसिंग कंक्लूजन दिया गया है, यानी कि आपको कंक्लूजन ढूंढना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैसेज, इसमें काफी सारे क्लेम्स है। अगर हम नंबर ऑफ क्लेम्स देखें तो ये हमारा पहला क्लेम है, ये हमारा दूसरा क्लेम है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा तीसरा क्लेम है, चौथा क्लेम है, एंड दैट्स इट। दीज आर द फोर फाइनल क्लेम्स दैट हैव बीन गिवन। यहाँ पर चार एग्जैक्ट क्लेम्स हैं, यानी प्रोपोजिशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर द वाइटल कॉक फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी ऑफ एवरी बैंक, विद ओवर 95% ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स इन रूरल रीजन बींग ऑपरेटेड बाय देम, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात की गई है, बैंक्स की बात की गई है, रूरल बैंक्स की बात की गई है, और ज़्यादातर जो 95% ऑफ रूरल बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, यानी बैंकिंग में हमारी कितनी डेमोग्राफिक्स या हमारी पॉपुलेशन एनग्रॉस्ड है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्रिटिकली रेलिवेंट फॉर वुमेन कस्टमर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव बीन एबल टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ देयर होम, सो दे एक्चुअली हेल्प पीपल। यहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे बैंकर्स हैं, जो बैंक कस्टमर्स हैं, उनको कन्वीनियंस देते हैं ताकि वो अपने घर से भी बैंकिंग कर सके या नियर बाय होम से भी कर सके। और वुमेन कस्टमर्स के लिए तो ये काफ़ी बून है, क्योंकि रूरल एरियाज में उनके लिए डिफिकल्ट होता है बाहर जाना। कटिंग डाउन दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑफकोर्स टाइम एंड हेजिटेंसी बैरियर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये तीनों एडवांटेजेस हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को रखने के। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द गवर्नमेंट वुड अकाउंट फॉर देयर इंक्रीज पार्टिसिपेशन, especially the female business correspondents, मतलब अगर government इस पर काम करती लेकिन उसने ऐसा शायद नहीं किया, it has been given a miss, and female customers especially in rural areas are reluctant to visit bank branches as male staff often deal summarily with them. Now यहाँ पर evidence दिया गया है, यहाँ पर वो reasoning दी गई है कि क्यों female business correspondents important है ज़्यादातर, वो भी rural banking के लिए, क्योंकि जो female customers हैं they generally are they lack that will to go to the bank, ठीक है, they are reluctant, they are hesitant to do that, और क्यों, क्योंकि मेल जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या मेल स्टाफ जो बैंकिंग में होते हैं वो समरली डील कर लेते हैं, और जिस वजह से वुमेन को उतना बैंकिंग का एडवांटेज नहीं मिल पाता और उसमें थोड़ा सा दे हेजिटेट टू एंगेज इन द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई होप ओवरऑल अगर हम ये चार क्लेम्स का सार देखें, अगर हम इन चारों क्लेम्स का इन्फ्रेंशियल क्लेम देखें, तो यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो भी वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लेकर के बात हो रही है थ्रू आउट। इनिशियली हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से स्टार्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कंक्लूड करना हो तो हम क्या कंक्लूजन रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन है और हमें सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्लेम आंसर दिया गया है वो बोला गया है कि फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर मोर कॉम्पिटिटिव दैन मेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्या ये प्रूव करने के लिए ये पूरा जो प्रिमाइसिस या क्लेम्स दिए गए थे? जी नहीं, आप कहेंगे नहीं, कॉमन सेंस नहीं है। बट देन एक चीट कोड भी आज मैं आपको दूंगा, जब भी आपको ऐसा कुछ देखना हो, इसको और थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखना हो, तो आप यहाँ पर कुछ ना करें, यहाँ पर देयरफोर लगा लें,
थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक देयरफोर लगा लेते हैं, यानी कि अगर हम सारे क्लेम्स को पढ़ें फिर से, अगर हम पीछे जाते हैं और सारे क्लेम्स को फिर से पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं देयरफोर फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर मोर कॉम्पिटिटिव देन मेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ऑफ कोर्स इट विल नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस एंड यू विल रिजेक्ट इट एज एन आंसर। यहाँ पर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे एज एन आंसर। लेट्स सी ऑप्शन बी, बी सेज दैट फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर रिक्रूटेड लेस इन रूरल बैंक। क्या इस चीज को हम प्रूव करने के लिए ये पूरा जो चारों क्लेम्स हमने डिस्कस की, जी नहीं। अगर हम देयरफॉर लगाएं और ट्राई टू कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट, सो ये भी गलत हो गया। फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर बेटर पोजिशन टू सर्व एंड एंगेज अंडर बैंक वुमेन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि इस बारे में हमने बात करी। इनिशियली हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में बात करी कि वो रूरल बैंकिंग में कितना इंपॉर्टेंट है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन में आना, एंड सेकेंडली हमने बात करी कि फीमेल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स किस तरीके से वुमेन कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मेन दैट टेक केयर इन दी बैंकिंग। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर होगा अगर हम यहाँ देयरफॉर लगाएं और ट्राई टू कम्प्लीट ऑल दी अदर क्लेम्स विद दिस, ये पूरा कम्प्लीट करता हुआ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी डी, डी सेज दैट फीमेल कस्टमर्स आर लेस प्रायोरिटाइज इन रूरल बैंकिंग एज कम्पेयर टू मेल कस्टमर्स, एज अ गुड इन्फरेंस, वी कैन डिराइव इट एज अ गुड इन्फरेंस बट वी कैन नॉट कंक्लूड, क्योंकि चारों क्लेम्स इसको नहीं प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एज अ इन्फरेंस मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम देयरफॉर लगा के कंक्लूड नहीं कर सकते। सी वॉज अ मच बेटर आंसर एक्चुअली, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी कुछ क्लेम्स हैं, देखें पहले नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं। पहला क्लेम है ये, सेकेंड क्लेम है ये, एंड देन थर्ड क्लेम ये है। After that we have no, we have only three claims. यहाँ पर total three claims हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। Admittedly we may not be standing today at the beginning of history, but the evolving security scenario is producing a myriad of internal and external challenges. ठीक है, okay, we are talking about some internal and external challenges throughout history, okay. At the 21st century advances, security problems will grow at exponential rate. Fine, ठीक है। Third, their dimensions are yet unclear, but what is already evident is that emerging challenges would require greater innovativeness and agility as well as the demonstration of newer cognitive skills to meet the challenges posed by swift technological change and the rise of data war fighting. Initially, हमें data war के बारे में कुछ नहीं पता था. We were just talking about the external and internal challenges जो 21वीं सदी में हम face करेंगे, और जो उनका rate है वो exponential है, वो बढ़ रहा है, तो security issues भी बढ़ रहे. Then their dimensions are yet unclear, but what is evident is that emerging challenges would require बहुत ज़्यादा innovative होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा cognitive आपको ability show करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से technology change हो रही है, जिस तरीके से data का एक बहुत बड़ा data हमारा create हो रहा है, उसकी वजह से जो conflicts create होंगे countries में या corporations में या किसी private level पर या public level पर, वो एक बहुत बड़ा एक challenge होगा 21वीं सदी का। तो अब हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई, एक minor just idea हो गया कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम technology की बात कर रहे थे, हम 21वीं सदी में challenges की बात कर रहे थे data war को लेकर के। कौन सा ऐसा statement है जो इसको complete करता हुआ दिखेगा आपको? A says, A क्या कहता है यहाँ पे, there is a lack of, यहाँ लिखते हैं therefore there is a lack of identification of internal and external challenges of security. Lack ho raha hai yahan pe, ji nahi, logical sense nahi hai. Therefore security issues is a problem only in developed countries and not in developed countries, does not make sense again. Kya hum ye keh sakte hain ki sirf developed countries mein problem? Ji nahi. Technological changes and data war would lead to next level of conflict among nations. Possible answer, bahut hi possible answer hoga ye. Therefore अगर हम करके यहाँ पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा आंसर निकलेगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, डेटा वॉर की, और जब हम वॉर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की भी बात कर रहे हैं, तो सी एक अच्छा आंसर होगा। डी सेज दैट डिसीजन मेकिंग एंड मल्टीलैटरल लेवल नीड्स टू अंडरगो फंडामेंटल चेंजेस एंटेलिंग मोर पर्पसिव डिस्कशन फॉर सिक्योरिटी एट हायर लेवल्स। मल्टीलैटरलिज्म कोई डायरेक्टली हमें बात नहीं हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वी नीड मोर एविडेंस टू प्रूव दैट एज एन आंसर, सो विल जस्ट रिजेक्ट इट एज एन आंसर, सो सी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आर नॉट फ्लॉलेस, पहले देखते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स, पहला क्लेम, दूसरा क्लेम, तीसरा क्लेम, चौथा क्लेम एंड पांचवा, पांच क्लेम्स हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी क्या प्रेमाइसिस हैं यहाँ पर। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आर नॉट फ्लॉलेस बट बींग पीयर रिव्यूड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द पेपर्स कंटेंट्स टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कलेक्टिव नॉलेज बेस। ठीक है, यहाँ पर पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स की बात की गई है, ठीक है, एंड पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आर नॉट फ्लॉलेस, यानी कि वो उनमें कोई ज़्यादा आपको मिस्टेक्स या वीकनेसेस नहीं दिखेंगी, बट देन इट हैज़ टू बी पीयर रिव्यूड
बिकॉज उसमें क्या है कि कलेक्टिव नॉलेज बेस हो जाएगा और प्रूफ रीडिंग भी हो जाएगी. द रिव्यूअर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज अननोन टू द ऑथर्स. ऑथर्स को ये भी नहीं पता होता कि जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको कौन रिव्यू कर रहा है. एंड दैट्स ऑल ऑथर्स, ताकि बायस ना हो, काफ़ी बायस हो जाएगा अगर हम किसी नॉन पर्सन को देंगे. दैट ऑल ऑथर्स हाउ एवर सीनियर और फेमस एक्सेप्ट जजमेंट्स ऑफ देयर वर्क बाय अननोन इंडिविजुअल्स इज अ टेस्टिमनी टू द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ मॉडर्न साइंस. और यही इन सब चीज़ों को, इसको एक डेमोक्रेटिक वे देता है, ताकि बिना किसी एक स्वार्थ के आप कह सकते हैं लोग पीयर रिव्यू करते हैं आर्टिकल्स को, ताकि साइंस का नुकसान नहीं हो. ठीक है. एंड रिव्यूइंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वॉलेंट्री. ठीक है, वॉलेंट्री होता है विथ नो फाइनेंशियल रेम्यूनेशन, यानी कि पैसा भी नहीं मिलता है प्रूफ रीडिंग का, बट स्टिल फॉर जस्ट हैविंग सेक ऑफ द साइंस ऑफ द एक्स्ट्रा नॉलेज दैट हैज टू बी गेन्ड बाय पीपल, इट हैज डन बाय द कम्युनिटी. और यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि आपको हो सकता है कोई एकेडमिक रिकॉग्निशन भी ना मिले अगर आप किसी को पीयर रिव्यू कर रहे हैं तो. इट इज रिमार्केबल टू हैव स्कॉलर्स विलिंग टू डिवोट देयर टाइम विद नो डायरेक्ट रिटर्न्स टू देमसेल्व्स. आई होप ओवरऑल जिस समझ में आ गया हमें. यहाँ पर क्लियरली ये बताया गया है कि पीयर रिव्यू करने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ओवरऑल एज अ डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द मॉडर्न साइंस, बिकॉज इट कम्स आउट सम विथ कोई थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कलेक्टिव नॉलेज बेस क्रिएट होता है और वो साइंस के लिए ओवरऑल बेटर है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट्स द बेस्ट कंक्लूजन. सीक्रेसी ऑफ रिव्यूअर इज ऑफ ड्यू इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न साइंटिफिक पब्लिकेशंस. क्या सीक्रेसी की कोई बात की है? अगर हम यहाँ देयरफोर लगाएं और ट्राई टू कंप्लीट द होल थिंग, नो वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट एज अ लॉजिकल सेंस. देयरफोर पीयर रिव्यूड आर्टिकल इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन. जी नहीं, या तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि वो भले ही मैंडेटरी नहीं है, वी कैन इन्फर इट एज एन आइडिया, बट देन इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द साइंस. So B would be rejected. C says that collective efforts can sustain modern science since they are supported by quantum of efforts from the democratic scientific community. We can say it is a good inference, क्योंकि कहीं ना कहीं collective efforts की मदद से हम democratic scientific community बना रहे हैं और किसी तरीके से हम उसको sustain भी कर ले जाएंगे. लेकिन sustain करने वाली जो बात है, the point of that sustaining thing, वो थोड़ा सा हमें evidence नहीं है हमारे पास. ये जो चार premises या पांच premises हमारे पास थे, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इस तरीके से करने से या इस तरीके की peer reviewing करने से हम sustain कर पाएंगे. We need little bit one more extra evidence to prove that thing. Let's see D also. D, therefore, pre-publication peer review is the bedrock of modern scientific knowledge production. Can we conclude that idea? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम peer review कर रहे हैं और प्री पब्लिकेशन से पहले ही उसको पीयर रिव्यू कर रहे हैं, तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसमें कलेक्टिव नॉलेज बेस क्रिएट होता है और उसमें उसको कुछ मिलता भी नहीं है, बट स्टिल इट एक्चुअली मेक्स द होल साइंटिफिक एरिना वेरी बिग. तो काफ़ी अच्छा आंसर होगा, एक बेटर आंसर होगा देन सी, बिकॉज देर वॉज अ बिट लैक ऑफ एविडेंस इन सी, बट डी वॉज वुड बी अ मच कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. एक काफ़ी बेहतर आंसर होगा एज कम्पेयर टू ए बी एंड सी. हाँ, इसमें भी एक थोड़ा सा और एविडेंस और ऐड होना चाहिए, बट हमारे पास पांच प्रीमाइसेस थे और हम ये कह रहे हैं कि लोग वॉलंटरी इसमें काम करते हैं, तो वी कैन क्लियरली से दैट दैट देयर कुड बी एज द बेडरॉक ऑफ द होल थिंग. ठीक है, डी इज अ मच बेटर आंसर. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लेट्स सी इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे. नंबर ऑफ क्लेम्स देखते हैं. द एच वन ये पहला क्लेम, एंड देन वी हैव द सेकेंड क्लेम, वी हैव थर्ड क्लेम. दैट्स इट, तीन क्लेम्स है. पहला क्लेम कहता है H5N1 सब टाइप has the potential to spill over to other mammals such as minks, ferrets, seals and domestic cats when the animals come in contact with infected birds or their feces or consume carcasses of infected birds and further serve as a reservoir. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है वायरस की, H5N1 सब टाइप वायरस की, जो कि स्पिल ओवर हो जाता है फ्रॉम मैमल्स और विच कैन एक्चुअली स्पिल ओवर टू दी मैमल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स विच आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैम. तो ये कुछ हद तक जूनोटिक डिजीज की बात हो रही है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ओवर टाइम द वायरस वुड इवॉल्व टू अडाप्ट टू न्यू होस्ट लीडिंग टू फर्दर आउटब्रेक्स. और ऐसा भी हो सकता है कि ये और नए और अपने होस्ट को ढूंढे फ्रॉम वन जंपिंग फ्रॉम वन एनिमल टू द अदर एनिमल, बिकॉज जो 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 आइडिया है यहाँ पर वो फीकेसिस का आइडिया है, यहाँ पर कार्कसिस का आइडिया है. और जब एक फूड चेन में एक एनिमल दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली ये वायरसेस भी जा सकते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट में.
एंड सडनली देयर कुड बी एन आउटब्रेक. रिसेंटली साइंटिस्ट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग अ पोटेंशियल मैमिलियन स्पिल ओवर इवेंट आफ्टर अ मास मोर्टेलिटी इवेंट विच किल्ड ओवर 700 सील्स अलॉन्ग रशिया. पूरा एविडेंस दिया गया है यहाँ पर फाइनली कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ. 700 सील्स मर गई बिकॉज ऑफ दिस H5N1 वेरियंट विच वॉज डिटेक्टेड इन वाइल्ड बर्ड सम फ्यू मंथ्स अगो. तो एक जंप हुआ वाइल्ड बर्ड से सील्स में. ओवरऑल जो बेसिक जिस्ट है हमें समझ में आया, यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दिया है. वी हैव टू फाइंड दी कंक्लूजन. लेट्स सी विच वन ऑफ देम वुड बी दी बेस्ट कंक्लूजन. जूनोटिक डिवाइसेस नॉट ओनली अफेक्ट अदर मैमल्स बट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस. क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये डिराइव कर सकते हैं एज एन इंफॉर्मेशन? या इन्फ्लुएंस हो सकता है बट वी के नॉट कंक्लूड इट आफ्टर फोर पूरे जो चार प्रीमाइसिस. क्या वो उसको इन्फ्लुएंशियली क्लेम कर रहे हैं? क्या हम यहाँ पर वो देयर फोर यहाँ ऐड करके इसको कंप्लीट कर सकेंगे? आई डोंट थिंक सो. ये बहुत अच्छा लॉजिकल सेंस नहीं होगा क्योंकि हमने बात करी स्पिल ओवर इवेंट्स की. हम बात कर रहे थे H5N1 के खतरनाक आउटब्रेक की जो हो सकता है आने वाले समय में. बी सेज दैट वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर अ होस्ट टू फीड ऑन. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड. सी सेज दैट देयर इज अ रेजिंग डिबेट अमंग साइंटिस्ट अबाउट वेदर टू इवन कैरेक्टराइज वायरसेस एज लिविंग और डेड एट ऑल. अगेन नीड्स मोर एविडेंस. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगा आंसर. Therefore, researching on viruses in animals is important since they could potentially infect humans at some stage. कह सकते हैं because अगर वो jump कर रहा है from some place to the other, एक animal से दूसरे animal, तो mammals में humans भी आते हैं, तो it could somehow would actually ये जो पूरा inferential claim बताया गया, जो पूरा है जो threat बताया H5N1 का, वो humans से ही related, क्योंकि research H5N1 की humans ही करेंगे obviously. So we need to have some kind of a tap on this disease until it gets into some kind of a pandemic as such. जो हुआ है अभी कोरोना वायरस पैंडमिक, तो वैसा ही कुछ अगर ऐसा यहाँ ना हो, इसीलिए उस पर रिसर्च करना आवश्यक है. तो डी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा. चारों प्रीमाइसिस मिलकर इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है. और हम लॉजिकल सेंस यहाँ पर क्लियरली इंडक्शन जो है, रिलेवेंस जो है, वो यहाँ पर देख सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया प्रोड्यूसेस, यहाँ पहले हम क्लेम्स देखेंगे, नंबर ऑफ क्लेम्स. पहला क्लेम ये है, दूसरा क्लेम ये है, एंड देन तीसरा है ये, ये चौथा क्लेम है, एंड देन दिस इज दी फाइनल क्लेम. पांच क्लेम से चलिए देखते हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 12 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिलेट्स एनुअली अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डेटा. इंडिया हैपेंस टू बी द नंबर वन इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग मिलेट्स फॉलोड बाई चाइना एंड नाइगर. वाइल मोस्ट ऑफ अस ईट वीट एंड राइस एज स्टेपल फूड्स, दे डू नॉट हैव द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिलेट्स, हेंस दे आर नॉट व्हाट आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. ठीक है. मिलेट्स हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, डायट्री फाइबर, विटामिन बी एंड सेवरल मेटल आयंस. Which staple food such as rice lack? तो millets में जो power है, जो proteins हैं, जो dietary fiber है, वो हमारे rice में नहीं है as a staple food, wheat में नहीं है as a staple food. Even India is being one of those world number ones in producing millets after comparing to China and Niger. Even we have 12 million metric tons of millets annually. तो ये हमें सारी बातें बताई गई हैं. क्यों बताई गई हैं? कि millets थोड़े से बेहतर हैं as a staple food of wheat and rice. ये हमें बताया गया है और उसका प्रोडक्शन भी हमारे पास अच्छा है. क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर? प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस शुड बी रिड्यूस कंसिडरेबल इन इंडिया. क्या ये कंक्लूड करने की कोशिश की गई है? क्या हम देयर फोर लगाएं उसको कंप्लीट कर लें? डज नॉट मेक सेंस. अगेन यहाँ पर अगर हम लगाएं देयर फोर, नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं आता, क्योंकि वीट और राइस के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की कोई बात नहीं हुई. हाँ, बात ये हुई है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन अब इतना है और हम उसके कंपेरिजन में ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाते हैं मिलेट्स में. इट इज इंपॉर्टेंट दैट मिलेट्स आर एडेड टू आर डेली फूड फॉर देयर बेनिफिट्स. वेरी गुड एज एन आंसर. इसको बकेट आंसर रख सकते हैं. देयर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि मिलेट्स आपको इतने सारे प्रोटीन्स और इतने सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम देयर फॉर लगे कंक्लूड कर सकते हैं. गुड एज अ बकेट आंसर, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. अभी हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमें बेस्ट आंसर मिलता है तो इट कुड बी अ सेकेंड बेस्ट आंसर ऑल्सो. Therefore, nutrition value of food determines the food production. Again, does not make sense. चारों premises को नहीं claim कर रहे. And therefore, wheat and rice are staple foods and thereby lack nutritive value is also as an inference which we derive from the argument. In the middle of the argument, तो ये direct answer हो भी नहीं सकता था. So, it was a pretty easy question. B is was the correct answer. Let's see one more last. I think last question of the day. Article 105. यहाँ number of claims कितने? एक, दो. ओके, देन देयर इज लास्ट क्लेम. तीन क्लेम्स हैं, चलिए देखते हैं. आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस. तो एक बहुत ही बड़ी पावर यहाँ दी गई है. बताया गया है कि आर्टिकल 105 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
वो मेंबर्स को एक बहुत ही तगड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ताकि जो भी वो कुछ कहते हैं उसको उसके खिलाफ उनके कोई एक्शन नहीं हो सकता. दे गेट एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑन दैट, दे गेट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी ऑन दैट. रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड रूल 261 ऑफ द रूल्स ऑफ राज्यसभा ऑल्सो गिव पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दीज हाउसेज टू एक्सपंज एनी वर्ड्स यूज इन द डिबेट विच आर डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड और इंडिसेंट. यानी कि आप जो कुछ भी इंडिसेंटली बोल रहे हैं या डिफेमेटरी अगर आप कुछ पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनी वेयर, इट विल बी एक्सपंज, उसको डिलीट कर दिया जाएगा. ठीक है, वंस एक्सपंज दे डू नॉट रिमेन ऑन रिकॉर्ड एंड इफ एनी वन पब्लिशेज देम दे विल बी लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. सो कुछ प्रिविलेजेस हैं हाउस मेंबर्स के पास, राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स के पास, कि वो कुछ भी अपनी ओपिनियन बोल सकते हैं, दे सकते हैं, बट उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इम्यूनिटी है, कोई कोर्ट में आपके खिलाफ नहीं जाएगा. एंड दैट इज वॉट इट्स ऑल अबाउट. यहाँ पर जो तीन क्लेम्स थे, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पर? क्या हम कह सकते हैं कि देयर फोर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट गारंटीड आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, हम आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट की कोई बात ही नहीं कर रहे थे, तो हम तो इनसाइड की बात कर रहे थे. देयर फोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉयज प्रिविलेजेस इन साइड द हाउस सिंस दे हैव इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंजेस इन द कोर्ट. वेरी गुड एज एन आंसर. ठीक है, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस है, बट देन इट कुड बी स्टिल बकेट आंसर एज एन इन्फरेंस, बिकॉज एक मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से भी ये निकल सकता था. देयर फोर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच इज सब्जेक्ट ओनली टू अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ द हाउस एंड द हाउस रूल्स. मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज एन आंसर, बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके चले, क्योंकि पहला क्लेम हमारा आर्टिकल 105 से रिलेटेड था. हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी पता है आर्टिकल 19 में, समवेयर अराउंड वहाँ पर हमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए अवेलेबल है और कैसे नहीं भी है, बिकॉज देर आर लिमिटेशन ऑल्सो. आप डिफेम नहीं कर सकते हैं और आप किसी को इंसाइट नहीं कर सकते हैं टू डू सम काइंड ऑफ मिसहैपनिंग एज अ पब्लिक मॉरल या पब्लिक पीस में आप कोई भी खलल नहीं डाल सकते हैं, आप रिवॉर्ड्स को नहीं इंस्टिगेट कर सकते हैं. सो सी इज अ मच कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देन बी. यहाँ पर देख सकते हैं इट इज सब्जेक्ट ओनली टू अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ द हाउस एंड राउंड्स रूल्स. पूरा कंप्लीट किया है तीनों चारों क्लेम्स को इस पूरे आंसर में. सो बी वुड बी रिजेक्टेड इन द लाइट ऑफ ऑप्शन एज सी इज अ मच बेटर कॉम्प्रिहेंसिव एज एन आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आज समझ में आया हो, कैसे हम इसको मिसिंग कंक्लूजन को ढूंढेंगे. प्रिमाइसिस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लेम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और हाँ वो जो देयर फोर का जो चीट कोड है वो आपको काफी मदद करेगा इस चीज को सॉर्ट आउट करने में. आई होप आपका इस पर्टिकुलर सेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे टॉपिक टेस्ट को सॉल्व करना है आज आपने देखा. ऐसे ही वीडियोज हम और लाते रहेंगे. कोई भी डाउट्स आपके माइंड में हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. आई बी वेटिंग फॉर देम, आई बी आंसर्ड शॉर्टली. टिल देन पढ़ाई करते रहें, तैयार करते रहें. मेरी तरफ से गुड बाय, जय हिंद.